पहली बार जिंदगी में कैनवर्थ का ट्रक कंपनी एक लेटर मेरे को सेंड करेगी कि भाई आपकी आजा, ये लो भाई बड़ा बड़ा नाइफ आज अपने बैग में रख लिया। ये मेरा नहीं है भाई, ये किसी और बंदे का है। वो किधर? देखो भाई दुबई वाला बंदा आ गया वापस। ये आता है भाई बहुत बहुत दिनों के बाद में, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। और आज के मेरे बैग है भाई 1 2 3। हाँ जी मेरा किसी का तो पापा छेती छेती। तू जाना मेरे काम दे, इधर आ, बाहर चलिए, इधर आ, बाहर चलिए, बाहर क्या, इधर आ, तू बाहर जाना मेरा। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल, चढ़दी कला कर दे, चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए है भाई जी। तू भी इधर बैग पैक कर ला, चल तेन लेके जावा, जो ला दे भाई, लाद लिया एक महीने का सामान इसके अंदर। चल तेरे कपड़े किथे आ, तेरे कपड़े किथे आ, बिस्तर के बगैर मैं सोऊंगा कैसे? आहो दे रखो ना, देख ले किने लागे। चल ठीक है, चल काके ऐ कर दे, हाई फाई कर दे पापा, हाई फाई कर दे। चल ठीक है, ओके। तू मेरे नाल जाना, किथे बैठा तू, तेरे कपड़े किथे आ? पावर पावर भाई, पावर दिखाई उन्हें अपनी बंदे। ओ दे आ गए भाई, इथे इथे बैठ चंगी तरह। जब ये वाला मूड होता है ना बच्चे का, बड़ा दिल में लगता है भाई। छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, लेकिन करें क्या। और दो बंदे मेरी राखी के लिए बाहर खड़े हुए हैं, देखो। ओए ओए बाहर के कहने जुड़ी है, मैं छुट्टी छोड़ दे बाहर, जम्मी है क्यों मेरी इज्जत का फलूदा बना रही है। चल बता ना, मैं आ गया आ गया आ गया। अपना असली व्लॉग तो अब चालू होता है जाके। विनीपेग से मैं करीबन ब्रेंडन के पास में आके ना कहीं ट्रक नहीं रोका, मैंने सोचा आज पहले ट्रेलर को हुक करके सारा कुछ रेडी करके बाहर निकल जाना है। कि हमारे चैनल के ऊपर आपने कभी कैनवर्थ का ट्रक देखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी आज तक खुद नहीं चलाया। पहली बार जिंदगी में कैनवर्थ का ट्रक चला रहा हूँ। लॉन्ग नोज तो नहीं है, लेकिन ये जो एरोडायनेमिक होता है ना, इसको बोलते हैं T680। ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल है, अभी सिर्फ 80,000 किलोमीटर चला है। 80,000 किलोमीटर यहाँ पे 4 महीनों में एक सिंगल बंदा चला देता है। अगर टीम चला रही है तो टीम 2 महीने में 80,000 किलोमीटर चला देता है ट्रक, चला देती है ट्रक कनाडा में। बड़ी खुशी की और बड़ी बात है, लेकिन आज हमारे पास बी ट्रेन नहीं, सिंगल फ्लैट डेक का ट्रेलर है। जहाँ मैं कहाँ रहा हूँ, विनीपेग से तकरीबन 3,300 किलोमीटर दूर, विनीपेग से वेस्ट की साइड में। यहाँ पे नॉर्मल जो ड्राइवर है वो जाने से कतराते हैं, मैं भी कतराता हूँ, लेकिन मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये वाला ट्रिप अपने चैनल के ऊपर होना चाहिए। अभी मालूम नहीं आगे मेरा ट्रिप कैसे जाने वाला है, क्योंकि जगह और एरिया मैं आपको बताता जाऊँगा कैसा माहौल है वहाँ पे। बड़ी रेयर ट्रैफिक होती है उन रोडों के ऊपर। थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि भाई अलास्का वाले हाईवे के ऊपर जा रहा है आपका भाई, अलास्का वाला हाईवे, मेरा वन ऑफ माय ड्रीम्स, मेरा ड्रीम कम ट्रू होने वाली बात है। सारा ट्रिप होने के बाद में बातें और होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ। पहले आपको ट्रक का इंजन दिखाता हूँ। आज के व्लॉग में पहला दिन का व्लॉग है, तो पहला दिन आपको मालूम है प्लेन रास्ता होता, तो आज सिर्फ हम इस ट्रक के बारे में बातें करेंगे कि ये ट्रक कैनवर्थ पहली बार हमारे ऊपर आया। काम की बात जो पहली सबसे आपको बताता हूँ कि ये जो ऐसे वाली शेप होती है ना, जैसे कस्केडिया है अपने पास, कैनवर्थ है, और पिछले ट्रिप में हम लेके गए थे पीटर बेल्ट। जो पिछले ट्रिप में पीटर बेल्ट लेके गए थे वो था लॉन्ग नोज, उसको लॉन्ग नोज बोलते हैं, लेकिन ये वाली जो शेप होती है ये लॉन्ग नोज नहीं होती, इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप। एरोडायनेमिक शेप आजकल लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एरोडायनेमिक जो शेप होती है, इसकी हवा कैसे गुजरती है इसके पास से, इसकी बॉडी की शेप ऐसी बनाई होती है कि इसकी एवरेज लॉन्ग नोज से ज़्यादा होती है। US और कनाडा में जितने भी पीटरबिल्ट और जितने भी आपको कैनवर्थ के ट्रक देखेंगे, उनमें अभी कमिंस की और पैकर की मोटरें आती हैं, लेकिन उसमें भी एक फंडा है,
दोनों ट्रकों का इंटीरियर और आउटसाइड आपको दोनों की आपको लगभग सेम दिखाई देगी, क्योंकि जितने भी पीटरबिल्ट और जितने भी कैनवर्थ आपको यूएस कनाडा में मिलेंगे उन सबको पैकर कंपनी ओन करती है। मीन्स की वो सारी डीलरशिपें पैकर कंपनी की हैं। लेकिन अगर आपको कमिंस की मोटर चाहिए तो आप कमिंस की मोटर ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन इसमें अपने ट्रक में कौन सी मोटर है आपको खोल के बताते हैं। दस्ताने निकालने यहाँ पे भाई शहद की मक्खियाँ बहुत है। अभी मेरे ट्रेलर के आसपास आपको एक आधी दिखाई भी देगी। लाइटों का सिस्टम सेम है लेकिन आगे से थोड़ी सी बनतर इसकी, वो जो कैब ओवर कैनोपी कैनोपी वाली जगह में ऊपर कैब ओवर है ना, ऊपर जो छत लगी हुई है रूफ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में रहते हो तो आपको ट्रकों का शौक है तो आप दूर से बैठ के इसका डिफरेंस निकाल दो कि ये पीटरबिल्ट आ रहा है ये कैनवर्थ आ रहा है। अभी T680 की हुड आपको बताता हूँ कि कैसे खोलते हैं। इसका जो मूस बम्पर लगा हुआ ना ये वाला मेरे ख्याल में आफ्टर मार्केट है, इसलिए इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि आज हवा नहीं है। लंबे ट्रिप के बड़े फायदे होते हैं। अभी 3200 किलोमीटर जाना है, एक बार ट्रेलर उठा लिया, अगर रास्ते में सारा कुछ ठीक रहा ना, लोड खोलने की जरूरत है ना लोड बांधने की जरूरत है। ये इसके हुड लैच लगे हुए हैं ऐसे, यहाँ पे पता लगता है कितनी रोटियां खा के आए हो। ये इसका इंजन है। अगर आप कमिंस की मोटर भी लेते हो लेकिन फिर भी आपको पैकर की बहुत मोरें आपको जगह जगह में पैकर की स्टैंप दिखाई देगी। ये देखो पैकर की स्टैंप है, फिल्टर के ऊपर पैकर की स्टैंप है, इंजन के ऊपर देखो पैकर की स्टैंप है, और यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये इंजन भी पैकर का है। ये देखो और ये इसका लिखा हुआ है हॉर्स पावर 510 हॉर्स पावर। मोस्टली हम इसको अगर अपनी भाषा में बात करेंगे तो किसी को बताना हो तो कितनी मोटर है, 500 की मोटर है। जो ट्रक बिल्कुल नया है आपको इसके इंजन की हालत से मालूम पड़ रहा होगा कि बिल्कुल नया है। कूलेंट वाला देखो कितनी दूर लगा हुआ है। ये विंडशील्ड वाटर देखो टोटली डिफरेंट तरीका है भाई। ये मक्खी ने अगर मेरे को काट दिया ना भाई ये बड़ा मसला बन जाएगा। जब इसको वापस बंद करना ना भाई को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जोर चाहिए भाई इसको बंद करने के लिए, भी बहुत भारी हुड है इसकी। ये तो आफ्टर मार्केट लगता है मेरे को मूस पंपर जो है। दोनों कन्वर्थ एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। इसके पीछे ये लगा होता है ना उसको बोलते हैं हेडेक रैक। अगर आपके पास में एक सिंगल ये देखो ट्रेलर कहाँ पे जा रही, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। वाह कहीं कभी गाड़ी लेके आएंगे ना तो इसके अंदर जा सकते हैं भाई गाड़ी लेके। डने अगर आपको आपके पास में सिंगल फ्लैट डेक है तो कितने डने हैं, 3, 6, 3, 9, 10 डने कम से कम लेके आओ, 8-10। इस ट्रेलर के ऊपर कोई टूल बॉक्स नहीं है लेकिन इतना मेरे को मालूम पड़ा कि कम से कम 18-19 बेल्टें और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 बेल्टें आपके पास में होनी चाहिए। चैनें कम से कम 9-10 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में 12 चैन होनी चाहिए। ये सिंगल फ्लैट डेक है सिंगल, पहले सिर्फ इसकी आवाज़ सुनो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ट्रक स्टार्ट है। कैसी लगी ट्रक की आवाज़? अपने पहली वीडियो में बोल देता हूँ भाई ये वाली सीरीज़ भी काफ़ी लंबी होने वाली है लेकिन शायद व्लॉग इसमें कम बनाऊंगा, थोड़े लंबे करूंगा। और दूसरी बात एक और है, जल्दी से लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वाली सीरीज़ पूरी अपलोड होने तक अपने 6 लाख हो जाने चाहिए। यार 6 लाख के ऊपर अटके हुए हैं अभी तो भाई, कितनी दूर जाना है अभी तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। क्या बात है आपको फीलिंग आ रही होगी सेम पीटरबिल्ट वाली। ये क्या आ गया, ये चला जाएगा मेरे ख्याल में, अभी हो गया, अभी देखो आ रहा है ना मजा देख के। तो अभी आपको ये वाली स्क्रीन और स्टेयरिंग देख के थोड़ा सा मालूम पड़ गया होगा कि पीटरबिल्ट और कैनवर्थ जो है दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि इसको एक ही बंदा ऑन कर रहा है पीछे से और इनका डिजाइन अंदर से कितना सेम है। बाकी जो पीछे वाला टूर है वो आपको मैं जहाँ पे रुकूंगा रात को वहां पे दूंगा, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा सफर कर लेना चाहिए। दिन में जब आपका कोई सपना सच हो रहा है तो भाई खुशी तो आपको होगी लेकिन उतना मैं थोड़ा सा नर्वस भी रहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके निकले घर से। यहाँ पे मैं लोड लेके जा रहा हूँ, आपको आगे मालूम पड़ेगा भाई, यूकॉन टेरिटरी की ये पूरी सीरीज बनाएंगे। 3200 किलोमीटर एक जगह में जाना है, वहां से आगे फिर 500 किलोमीटर और आगे जाना है, फिर मालूम नहीं पिकअप कहाँ से उठाएंगे, वी नेवर नो। मोस्टली जो 5-7 साल पुराने ड्राइवर होते हैं ना, मेरे पास भी बहुत अच्छा लोड है विनीपैग से कैलगरी, विनीपैग से एडमंटन डबल ट्रेलर का, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो जो कीड़ा है ना, क्योंकि मैं अगर मेरे से कोई बात करे तो मेरे को होना चाहिए कि भाई मैं कोई बोले मेरे को मैं यूकॉन गया था, मैं बोलूंगा भाई हाँ मैं भी यूकॉन जाके आया हूँ, थोड़ा सा मालूम होगा उसके बारे में।
जिस बाइक का ट्रक है ना, काफी ऊपर वाले को मानने वाला बंदा लगता है। यहाँ पे देखो बाबा दीप सिंह जी की फोटो, यहाँ पे गणेश जी की फोटो लगाई हुई है। मैंने हमेशा बोला कि जिसको भी आप मानते हो बातें उससे ही करो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन करो जरूर। ये वाला आपका रिफ्लेक्शन जो है ना शीशे में दिखाई दे रही होगी, इसका हल मैंने सोचा हुआ है। अगले की प्रॉपर्टी है, इसको आराम से सारा इकट्ठा करेंगे, सॉरी करेंगे कि भाई सॉरी मेरे को इकट्ठा करना पड़ा, लेकिन जाने के टाइम में ऐसे ही बिछा देंगे इसको। मैनुअल नहीं है ये, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ से गियर में डाल के अभी ये अपना पूरा कस्केडिया वाला हिसाब हो गया, लेकिन इसकी जो बंतर बनी हुई है ये पीटरबिल्ट के जैसी है। कैनवर्थ पीटरबिल्ट की एक ऐसी हाइप है कि हाँ भाई ये ट्रक जो है हैवी लोड लगाने के लिए बड़े माने जाते हैं, जो लॉन्ग नोज होते हैं जिनमें पहले कैड की मोटर आती थी, लेकिन अभी ये ट्रक जो है इनकी एवरेज बड़ी सही कर दी। अगर आपने ट्रक लेना है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो लेने के मामले में। मैंने तो कभी चला के नहीं देखा, इसलिए मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये वाला डिसीजन लिया कि भाई अपने दिमाग में इसकी भी एक इमेज बन जानी चाहिए कि भाई इसका हिसाब किताब क्या है। ट्रक अपना ये भी 121 के ऊपर जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी मैं यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ तो आपको स्पीड दिखाई नहीं देती इसकी ट्रक की, उसका मेरे पास कोई हल बन नहीं रहा अभी। भाई ट्रक के बारे में डिटेल देनी कौन सी आसान काम है, पसीना पसीना हो गया मेरा मुंह। तो अभी कोई भी ट्रक नया लेना तो भाई 2.5 लाख के पास में, $2,50,000 के पास में बेसिक ट्रक आता है। अगर आपने गारंटियां वारंटियां सारा कुछ डाल के साथ में लेना तो ट्रक जाएगा भाई आपका $3,00,000 के पास में। और इसमें अभी मैं पीछे जाके आपको रात को सोने के टाइम में बताऊंगा कि पीछे इसके सिस्टम में क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें पीछे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ट्रक है। पीटरबिल्ट का जो एरोडायनेमिक है वो भी हमने टूर किया था, लेकिन कैनवर्थ का कभी अपने ऊपर आया ही नहीं। तो इसकी बहुत सारी फैसिलिटियाँ मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ। सबर भाई सबर सबर। हाँ सब्सक्राइब जरूर करो, अपने चाचा का, भाई का, ताए का, मामे का, जिसका भी फोन आपके हाथ में आता है आपके भाई की आईडी को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताँ जो हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं और अपनी फैमिली 6 लाख बड़ी हो जाए भाई। लेकिन अभी तो बस मेरे को लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया, क्योंकि मेरे पास उतनी मेहनत हो नहीं रही, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत भी कर रहा हूँ और अपने ड्रीम भी पूरे कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ और चढ़ती कला में रहता हूँ भाई जी। कैनवर्थ ट्रक का भी अपने रुतबा है, देखो भाई सामने 112 पे मैंने क्रूज लगाया हुआ है, लेकिन ट्रक अपना जाता है 121 पे, 70 माइल्स नीचे आ रहा है। देखो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो इंजन ब्रेक है ना, ये देखो 1 नंबर 2, ये 3 और ये 4 मैक्सिमम। ये देखो ये भी मैक्सिमम होगी ना, ये मैंने पहली बार देखा है, ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ है भाई। 4 लेवल तक इसकी इंजन ब्रेक जो है वो काम करती है। लोड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा ऊंचा लोड है तो फिर हम ज्यादा भगा के लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोड नीचे ही है इतनी टेंशन नहीं होती। बहुत सारे भाइयों के कभी कभी मैसेज आते हैं कि भाई हमको काम दिला दो। भाई आजकल के मौसम में काम बहुत मुश्किल मिल रहा है भाई, है नहीं मार्केट में, काम ही नहीं है। डेप भी फुल करा लेनी है, डीजल भी फुल करवा लेना यहाँ, और किलोमीटर नोट कर लेने, फिर देखते हैं कितना डीजल और कितना डेप आता है इसमें और कल तक कितना खाता है ये। और हमेशा याद भूल जाता हूँ पेट्रो पास की डेप पीछे, एक बार पीछे करके पहले डेप फुल करते हैं भाई। वैसे नॉर्मली ना यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, मैंने साफ करके देखा। और यहाँ पे ये देखो इतनी जगह खाली है, टैंक बड़ा हो सकता था लेकिन टैंक छोटा है, दूसरी तरफ वाला थोड़ा सा बड़ा है उस साइड वाला। अपने पास पूरा क्वार्टर था 25%, अभी देखते हैं एक साइड में कितना आता है, इससे मालूम पड़ जाएगा, अंदाजा भी हो जाएगा। आवाज़ भी बड़ी आ रही है, देखो बहुत बड़ी कोई नदी चल रही है। देखो 270, 10-20 और आएगा बस। टोटल आया भाई 540 लीटर, $885 का। मेरे को शक था पहले ये खुला हुआ है, ये लाइट बड़ी जबरदस्त लगती है। देखो देखो भाई रात को इसका मीटर देखो, अगर आपको पूरा इश्क ना आ जाए तो मेरा नाम बदलना नहीं, बस वही रखने से। लाइटें देखो लाइटें, एक लाइट ये लगी हुई है सिर्फ आपके लिए। लाइटों से ये वाली लाइट से मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है, ये लाइट तो है ये बंद कर दो, फिर ये वाली लाइट है। जगह जगह में लाइटें लगी हुई, जगह जगह में लाइटें, जितनी मर्जी लाइटें लगा लो। अभी मैं आपको ट्रक का पीछे का टूर देता हूँ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी रुक गया क्योंकि मेरी लॉग बुक में प्रॉब्लम आ गई है, मेरी लॉग बुक जो है ना अपने आप लोकेशन नहीं उठा रही। अगर आपकी लॉग बुक ECM से कनेक्ट नहीं हो रही या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपको अपनी कंपनी को बताना पड़ता है, मैंने उनको बताया हुआ है। अभी कल सुबह तक अगर उनसे सही होगी ठीक है, नहीं तो फिर पेपर लॉग के ऊपर चलना पड़ेगा,
तो पेपर लॉग हमेशा अपने साथ में 15 लॉग बुक लेके आनी पड़ती है। कंपनी एक लेटर मेरे को सेंड करेगी कि भाई आपकी ई लॉग में ये प्रॉब्लम है। कंपनी का एक सेफ्टी का लेटर होता है, फिर पुलिस वाला अपने को रोकेगा तो हम उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई मेरे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ई लॉग नहीं चला रहा। अभी तक मेरे को फोग लाइट कहाँ से चलते हैं, मेरे को अभी तक उसका लैंप स्विच नहीं मिला। के पीछे बड़ी जबरदस्त कलाकारी है, मेरे लिए भी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। इस बाइक का ट्रक है ना भाई, उसने बड़े कारपेट फंसाए हुए हैं, लेकिन अभी मेरा सारा सामान यहाँ पे है और पीछे से ये ट्रक ऐसा दिखता है ऐसा। ये देखो, ये नीचे वाला बेड हो गया, ये उसके ऊपर वाला बेड हो गया, क्योंकि ट्रक हाई रूफ है तो ये देखो ऊपर तक आराम से आप ऊपर वाला बंदा बैठ के भी अपना सिर जो उसका ऊपर टच नहीं होगा, इतनी ऊंची है छत इसकी। नीचे बैठा बंदा आराम से खाना वाना खाए, उसको ये बेड फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस तरफ घूमोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जो ट्रे लगी हुई है, पहली बार किसी ट्रक में मैंने अपने ऐसा ट्रे लगी हुई देखी। आप जहां मर्जी इसको घुमाओ और आप अपना खाना खा सकते हो इस पे रख के, बड़े आराम से यहाँ पे खाना खाओ, आपको बेड पे खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। ये भाई ने कपड़ा बिछाया हुआ है, लेकिन भाई को सॉरी बोलेंगे कि भाई हमको कपड़े रास नहीं आते, कपड़े आपके गंदे कर देंगे हम, फिर आपको गुस्सा लगेगा, इसलिए मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए। ये बड़ी वाली बारी है, इसमें भाई का सारा सामान है तो मैं आपको ज्यादा खोल के दिखा नहीं सकता इसको। उसके नीचे आ जाओ तो ये इसके नीचे फ्रिज है, लेकिन फ्रिज आज तक का मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि ये फ्रिज एक टोटली डिफरेंट तरीके की फ्रिज है। ये देखो ओपन की, इसमें एक बड़ा बड़ा बॉक्स है ऐसा, इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है खाने पीने का, ठीक है। ये यहाँ तक ऊपर स्टैक करके सामान रख सकते हो और आराम से बंद हो जाएगी, ये देखो। और इसमें एक ही बड़ा वाला ये बॉक्स है और कोई बॉक्स नहीं है, और ऊपर ये फ्रीजर है इसका, यहाँ पे आप अपनी बर्फ जमा सकते हो। ओहो, आगे से ट्रक बड़ा खतरनाक लगता है भाई। इस तरफ आ जाओ भाई, ऊपर देखो, ऊपर भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे सामान रखने के लिए सारा जगह, ये भी एक बॉक्स है, ये माइक्रोवेव की स्पेशल जगह जैसे हर ट्रक में होती है, उसके नीचे ये टीवी लगाने के लिए जगह होती है, लेकिन भाई ने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ। कितनी जगह है यार, यहाँ पे आराम से बंदा जो मर्जी रख सकता है। इसके नीचे देखो, ये एक बड़ा वाला बॉक्स है, काफी स्पेस है यार ट्रक में काफी, उसके नीचे भी एक बॉक्स है। यहाँ से लाइट चलेगी या, और ये लाइट आपको दिखाएगी। ये भाई का सामान है, पानी मैं लेके आया, और भाई ने बेड बड़ा जबरदस्त लगाया हुआ, ये मेरा पिल्लो है, इसको अभी हम इस तरफ कर देंगे ना, ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे दो बंदे सो सकते हैं। और भाई ने तो भाई ये जो पिल्लो है ना, ये भी लंबे का लंबा ही रखा हुआ है। इसे कहते हैं भाई ट्रकों से प्यार। ये ट्रक का पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ट्रक की हील लगी हुई। ये ट्रक मेरे को पसंद आ गया यार, कनवर्थ का, मैंने बिल्कुल, ये ब्रांड न्यू है, अभी 2-3 महीने या 4-5 महीने से ज्यादा पुराना ट्रक नहीं होगा। दोनों जो मैट है फोल्ड करके सेंटर में रखे हुए हैं, क्योंकि भाई नंगे पैर ट्रक चलाता, लेकिन मैं नंगे पैर ट्रक चला नहीं सकता। आपको तो मालूम है मेरी आदत का भाई, ना गंद डालना है, अगर आप गंद डाल के जाओगे तो फिर आगे वाला बंदा आपको गंद बोलेगा। जिन लोगों की रोजी रोटी है ये, उन लोगों से पूछो, सारे बंदे तो नहीं प्यार करते मेरे को मालूम है, लेकिन ज्यादा बंदे जो हैं इसको बहुत प्यार करते हैं। आज की वीडियो और आज की सीरीज स्टार्ट हुई है, कमेंट करके बता देना कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। छोटी सी वीडियो थी, ये सिर्फ ट्रक का टूर है, ज्यादा कुछ नहीं। आज सिर्फ मैंने 850 किलोमीटर सफर किया, क्योंकि मैं रात को शाम को 4 बजे निकला था, कल शाम तक अपनी नेटवर्क आएगी, उसके बाद में नेटवर्क नहीं आएगा आगे, मालूम नहीं मेरे साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं। जो भी होगा, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगले वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा।